ये जी किचन अपने बिल्कुल जीगा शहर के नेड़े जिहड़ा पिंड जे आपां स्टार्टिंग दे गल कर रहे हैं मटीरियल की जी आप उपर फिनिश लाई जी तुसीं ये कलर देख रहे हो ये रख सकते हैं स्टोरेज की ये किचन के देखोगे स्टोरेज की कोई प्रॉब्लम नहीं स्टोरेज काफ़ी ये हैगी। हाँ जी सत श्रीकाल जी, होर सुनाओ की हाल चाल है तो आप एक लैके आए नवी किचन ये जी किचन अपने बिल्कुल जीगा शहर के नेड़े जिहड़ा पिंड मनसूब देवा है बिल्कुल अपनी फैक्ट्री के नेड़े है जी। ये लोकेशन जिथे किचन बनाई आपां ते किचन काफ़ी वधिया बनी हुई है। जे आपां गल करते सब तो पहले किचन के सैज की तो मटीरियल की लगा जिहड़ा किचन का सैज सी जो तुसीं देखोगे जिहड़ी ये किचन है ये लोग दो पार्ट डिवाइड किया होया है। एक उन्होंने कुकिंग जी अलग है इस तरह तो जिहड़ा मेन जी किचन है जी तुसीं देख रहे हो ये इस साइड है। जे किचन के सैज की गल करते हैं तो यदा सैज है जी 12x13 का जो एरिया मैं खड़ा होया तो यह है जो जे अंदर की आप गल करिए तो यदा सैज है जी 8x12 का ये 8x12 का सैज है वा। तो सब तो पहले मैं तुम्हें बाहरले किचन दिखाना वा तो पहले आप गल करते भी मटीरियल की लगा वा तो कितना की किचन बनना। जे आप स्टार्टिंग गल करते हैं मटीरियल की जी आप उपर फिनिश लाई जी तुम ये कलर देख रहे हो जी अक्रैलिक 1.5 mm की लगी हुई है। मोस्टली आप ज़्यादातर अजकल जिन्हें भी किचन कर रहे सारियां 1.5 mm के क्योंकि ये फिनिशिंग काफ़ी वधिया होती है क्योंकि रिफ्लैक्शन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती इस करके ज़्यादातर अजकल 1.5 mm के यूज़ कर रहे हैं। जे आप कलर कॉम्बीनेशन की गल करते तो इन्होंने 2 कलर आप यूज़ किया जिवें उपरले जो परदे है वो वाइट कलर के दिते हुए हैं तो जो थले लाइट ग्रीन जो कलर वो आप यूज़ किया। तो जिन्नी भी किचन बनी है सारी अपनी हैंडलैस बनी है जी भी किचन आप बनाई है हैंडल तुम देखोगे इसकी जो कोई हैंडल नहीं है बस जस्ट एंट्री छड़ के विदाउट बाकी सारी विदाउट हैंडल है। उपरले पासे जो पत्थर है जो क्वार्ट्स लगा हुआ वा तो क्वार्ट्स के थले जो ये देखो तुम हैंडलैस इस करके इतने प्रोफाइल लगी हुई है तुम देख रहे हो ब्लैक कलर की प्रोफाइल लगी है तो ये खुलन इतों ही फट के जो आप खोलते ये प्रोफाइल वाली इनसाइड सारिया प्रोफाइल जड़िया लगदियाँ वा तो यू आप एक हैंडलैस कहते हैंडलैस प्रोफाइल या गूड़ा प्रोफाइल भी आप कहते हैं तो आप लगाया हुआ वा। बाकी किचन काफ़ी वधिया हुई ये आप स्टार्टिंग गल करते हैं पहले तो जी ये एरिया जो तुम देख रहे हो ये आप 40 इंच की स्पेस छड़ी हुई जिते आप एक फ्रिज वास्ते फ्रिज लगनी तो फ्रिज के उपर भी अपने स्टोर है तो जे नाल गल करते 2 फुट का एरिया है जिससे अपनी ये क्रॉकरी का एरिया वा तो इतने अपनी क्रॉकरी वगैरह आ सकती है। नाल जी गल करते हैं अपनी 18 इंच की पैंट्री है तो अगली साइड की गल करिए तो अपना ओन माइक्रोवेव तो थले स्टोरेज के उपर भी स्टोरेज वास्ते स्पेस दी हुई है तो ये 2 पल्ले आप इधरले पासे स्टोरेज वास्ते बनाए हुए हैं तो यदा कलर देखो तुम वाइट आ ये ग्रे कलर जो टालमेंट जिन्नियां सारियां ग्रे कलर दी तो ये उपरले बॉक्स जो तुम ये पल्ले देख रहे हो इधर देख रहे हैं सारा वाइट तो नाल आपां कोई ओपन बॉक्स तो एक प्रोफाइल का पल्ला लगाया हुआ वा। तो चलो हम आप पहले आप अंदरली किचन तुम दिखा देंगे तो फिर अपन सारी किचन खोल के दिखा देंगे किचन लगी है कि अपनी इदा साइज मैं तुम अगे वैसे जिवें 8x13 का साइज हैगा वा तो इहदे च आप 2 प्रोफाइल दे कोल इदा लगाए तो थल्ले दी गल करदे हां स्टार्ट जे सेंटर चिमनी दे थल्ले बिल्कुल आप 3 ड्रॉप दिते उपरला कट वाली वाला तगड़ा सीन ते नाल आप आटे वाली मट्टी दी प्रोविजन दिती है ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਜਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਉਹੀ ਲਗਾਉਣਾ ਵਾ ਹੋਬ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕਾਰਨਰ ਦੀ ਸਪੇਸ ਹੈਗੀ ਕਾਰਨਰ ਆਪਾਂ ਪਰ ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਲਾਇਆ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਪੇਸ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਕ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਿੰਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰੇਜ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰੈਕ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਚਨ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੋ ਕਿਚਨ ਸਾਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ आप स्टार्ट अंदर तो ही करते हैं। स्टार्टिंग जी गल करिए ये अपना है जी कटलरी बनाउण ये आप 3 फिट का दिता हुआ मतलब 33 3 फिट पूरा नहीं होता 33 इंच का साइज है इहदा ते ये अपना पूरे तुहाडे कटलरी वगैरह जिन्ने कड़छियां चमचे वगैरह तुसीं इहदे च ये रख सकते हो। स्टोरेज की ये किचन दे विच तुसीं देखोगे स्टोरेज की कोई प्रॉब्लम नहीं स्टोरेज काफ़ी इहदे हैगी आ ते थल्ले भी आप एक ड्रॉर दिता हुआ वा 6 इंच का ड्रॉर है तो थले जो सब तो होंगे आप थोड़ा वड्डा ड्रॉर देंगे हाँ ये प्लेट्स वगैरह जो रैक लगा हुआ प्लेट्स रख सकते हैं काफ़ी वड्डा ड्रॉर है जो स्टोरेज काफ़ी कवर हो जाती है। फिर ये जो पल्ला तुम देखते ये आप सिलेंडर वास्ते प्रोविजन दी हुई है थले जो सिलेंडर आए ना सिलेंडर तो जो थोड़े को जगह है कोशिश करो कि बाहरले बन्ने रखा जा सके जे नहीं हैगी तो फिर तुम अंदर इनसाइड किचन से रख सकते हैं। तो यह भी गल करिए कॉर्नर कॉर्नर खाली छड्डा जी दूसरी से बाहरली किचन वो आप कॉर्नर ऑलरेडी लाया वा बट ये खाली है ये अपना वड्डे जो बर्तन तुम कुकर जिदा हो कढ़ाई हो गई या वड्डा कोई भी बर्तन है वो ये रख सकते हैं। तो जे आप गल करिए शेंक वाले एरिए की शेंक वाले एरिए आप लिक्विड डिटर्जेंट लाया नाल एक डस्टबिन की प्रोविजन दी हुई है। ये देखो डस्टबिन है अपना, ये बजदा बंद ईजी साफ कर सकते कट के विचों बाहर। जे आप उपर गल करते हैं तो ये उपर आप डिश रैक वगैरह भी लाया हो जिसे आप भांडे धो के रख सकते, ये कोई दिक्कत नहीं होंगी। गिले भांडे भी रखे जा सकते क्योंकि थले एक ट्रे होंगी है जिहदे पानी इकट्ठा हो जाता तो तुसीं इहनूं बाहर कढ के तो पानी बाद जो भांडे सुक जाते बाहर साफ कर सकते हैं। तो नाल आपां इहदे एक है जी स्टोरेज ये दित्ती हुई नाल भांडे वास्ते जां बॉक्स वगैरह तुसीं रख सकते हो बिल्कुल नाल हैगी है। तो जे इधर की गल करते हैं आपां ग्रेन ट्रॉली है यार, ये ग्रेन ट्रॉली दी आटे वाली मट्टी तुसीं इहदे विच रख सकते हो। उपर जिहड़ा 4 इंच का ड्रॉर आपां पाउणे आ ये अपना जो चकला वेलना जो होर कोई निक्का मोटा समान वगैरह रख सकते। इधर फिर एक स्टोरेज हैगी, स्टोरेज में सैल्फ पाई होगी जी सैल्फ एडजस्टमेंट वाली है एडजस्टेबल होती है अपना थले कट के उपर रख सकते हैं। जी आप गल करिए उपर आप 2 प्रोफाइल वाले बल्ले दिते हैं 18-18 इंच के, तो ये अपनी क्रॉकरी या कोई वधिया समान वगैरह कुछ भी अपनी लोड़ अनुसार रख सकते। जो आप 3 फुट की चिमनी लाई है फ्लैट वाला मॉडल आ टिपर वाला मॉडल जिन्होंने आप कह दें। तो चलो हम आप इधरों बाहर वाली किचन जी आप थले गल करते थले इधर आ जाओ बाहर है समान वगैरह अपना रखना। स्टोरेज वास्ते 2 ड्रॉअर आ साइड के दोनों पासे अपने को स्पेस काफ़ी सी एडजस्टमेंट स्लैब वाली ने जी दी हुई है। इधर भी दोनों साइड भी यही है। तो इन्हों के जो थल्ले बने आप कॉर्नर की प्रोविजन कॉर्नर जो देखोगे आप थल्ले बने बाहर सॉरी थल्ले बने बाहरली साइड है जोड़ा जोड़ा ये कॉर्नर देखोगे 4x4 होंगे। ये जो कॉर्नर विद मैट आ रहा अपने ये मैट इंक्लूड अपना स्पेस देख रहे ये है जी ओवन माइक्रोवेव की थल्ले के स्टोरेज वास्ते जगह हैगी है। तो ये 2 बल्ले अपने इधर स्टोरेज वास्ते जो आप एक डीपीओ 2 लगाए एक बार अंदरली किचन जी देख रहे हो एक बाहर वाली भी एक 6 इंच डीपीओ लगा एक अंदर तुम ऑलरेडी देख रहे हो डीपीओ अपने 2 लगे हुए हैं। तो नाल आप जी 18 इंच की पैंट्री लगाई है। तो ये है जी क्रॉकरी की अपनी स्पेस नियर बॉटल का साइड 2 फुट का है 2 फुट की क्रॉकरी आप हुई है। तो जी अजकल आप क्रॉकरी यूज कर रहे हैं जो ग्लास वगैरह है प्रोफाइल सारा टेंटेड ग्लास ऑलरेडी जो बॉक्स है जो देख रहे हो वुडन शेप वुडन कलर है नॉर्मल पहले वाइट के बनाते हैं बट अजकल की है कि आप वुडन के कर रहे हैं। तो जो ओपन वाले बॉक्स ये भी वुडन के ज़्यादातर वधिया लग रहा है। तो जो प्रोफाइल अजकल वुडन के कर रहे हैं वो तो जे वाइट पाओगे तो वाइट भी करवा सकते हैं जो वुडन पाओगे तो वुडन। हूँ जो तुम किचन किदा की लगी तो जी चंकी लगी तो वीडियो में शेयर जरूर कर देना अपने चैनल जरूर सबसक्राइब कर लो। तुम पता इतनी किचन आप ऑलरेडी इस चैनल पर लगे हुए हैं कि हूँ जो तुम भी इस तरह की किचन बनाना चाहते हो तो अपनी किचन की एक वीडियो बना के एक किचन का सहज स्क्रीन के उपर नंबर चल रहा है इस नंबर के उपर तुम वट्सअप करवा दो फिर तुम्हें कोटेशन दी जाएगी। तो कोटेशन का मैं थोड़ी किचन आप विजिट करके बना देवेंगे। तो बाकी हम तुम्हें एक उपरला व्यू सारा दिखा देने तो वीडियो शेयर जरूर कर दो तो अपने चैनल में जरूर सबसक्राइब कर दो। बाकी जी इधर होर देखोगे जी थले स्टार्टिंग लगी है थले हाउ कंपनी जी अपनी स्टार्टिंग लगी है थलो आप पहलों की स्टील के पावे होंगे बट अजकल सारा कुछ बंद कर दिया रिहाऊ के पावे लगा रहे हैं। तो नाल स्टार्टिंग लगा रहे काफ़ी वधिया लगती देखने और थले घट्टा मिट्टी वगैरह नहीं आता तो फिर कल ईजी क्लीन है जो मतलब साफ हो सकती है। जी अपनी किचन की 10 साल की गारंटी मतलब खराब नहीं होगी किचन तुम देखोगे किचन जिदा भी आप बनाने को चीज़ देख रहे हो किचन मतलब ये खराब नहीं होगी लाइफ बहुत हैगी है 10 साल की गारंटी है कोई मटीरियल खराब नहीं होगा एक्सैसरी भी 10 साल ईयर की गारंटी है। तो किचन काफ़ी वधिया बन गया ना तुम देख रहे हो तो वीडियो में शेयर जरूर करते करो जे तुम्हें चंगी लगती मतलब वीडियो शेयर करोगे फिर अपना हौसला बढ़ता लिए होर आप वीडियो आप लैके आते रहिए है ना इदा दीयां। तो वीडियो में शेयर जरूर कर दिया करें।